नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। वैसे तो घरों में कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया ये सब आ ही जाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा जीव जो अगर ये मुसीबतें आने का संकेत देता है, वही धर्मशास्त्रों ज्योतिष में इस तरह सपने घटनाएं को शुभ और अशुभ करार दिया गया है। वैसे ये जीवों में मिलने वाले संकेतों के बारे में भी बताया गया है, जैसे कुछ जीवों का दिखना या उनका खास व्यवहार जिंदगी में अच्छी घटनाएं होने का संकेत देता है। वैसे ही कुछ जीवों का नजर आना ही बेहद अशुभ होता है, इनका घर में आना खतरे की निशानी है। घर में बार बार आने वाले चमगादड़ वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र के मुताबिक यदि घर में चमगादड़ आ जाए तो यह अच्छा संकेत नहीं है। वही चमगादड़ अक्सर घर में आने लगे तो यह खतरे की बात है, क्योंकि चमगादड़ का घर में आना कई तरह की मुसीबतें लाता है। यह धनहानि का संकेत है। साथ ही चमगादड़ के घर में आने से नकारात्मकता भी फैलती है, जो घर के लोगों के बीच झगड़े का कारण बनती है। बीमारियों का भी संकेत होता है। चमगादड़ का घर में आना किसी अशुभ खबर के मिलने का पूर्व संकेत भी है। वही चमगादड़ घर में आकर रहने लगे तो लोग परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो सकती है, लिहाजा ऐसा होने पर सावधान रहे। साथ ही चमगादड़ घर में बार बार आए तो धन संबंधी मामलों में भी सतर्कता बरते, वरना कर्ज में डूबते देर नहीं लगेगी। लेकिन इस सबके बावजूद चमगादड़ को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसे आराम से घर से बाहर कर दे। यदि चमगादड़ शरीर पर अचानक गिर जाए तो यह भी किसी अशुभ घटना के होने का इशारा है। ऐसी स्थिति में स्नान करके इष्ट देव की आराधना करें, संभव हो तो मंदिर भी जाए और किसी गरीब जरूरतमंद को कुछ दान दे दे। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।